लोकसभा चुनाव को लेकर मुंगेर लोकसभा सीट अभी से ही हॉट केक बना हुआ है। बिहार के मोकामा से बाहुबली निर्दलीय विधायक अनंत सिंह रोड शो के दौरान मुंगेर पहुंचे। रोड शो के दौरान 14 किलोमीटर तक गाड़ियों की कतार लग गई। इसमें अनंत सिंह के साथ करीब 15,000 समर्थक दिखे, जिसके कारण NH-80 पर घंटों ट्रैफिक प्रभावित हुआ। इस दौरान अनंत सिंह ने स्पष्ट कर दिया कि वो हर हाल में मुंगेर से ही चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने रोड शो के अपने पोस्टर में खुद को कांग्रेस उम्मीदवार बताया है। बता दें कि वैसे तो मुंगेर लोकसभा सीट पर JDU सेराजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह के नाम की चर्चा हो रही है। लल्लन सिंह को लोकसभा चुनाव में टक्कर देने के लिए छोटे सरकार उर्फ अनंत सिंह मुंगेर लोकसभा सीट पर महागठबंधन की टिकट पर लड़ेंगे। उन्होंने रोड शो के अपने पोस्टर में खुद को कांग्रेस उम्मीदवार बताया है। इस बीच JDU ने उनके रोड शो को राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का संरक्षण मिलने का आरोप लगाया है। गौरतलब है कि महागठबंधन ने अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है, बावजूद इसके अनंत सिंह ने अपनी ओर से चुनावी बिगुल फूंक दिया है। महागठबंधन का कैंडिडेट है जी। आगे कहां तक जाना है? जहां अंतिम होगा वहां से घूर जाएंगे। मुरेरी पंचायत के पास हम लोग। दादा, क्या कार्यक्रम है आपका और कहां तक जाना है? घूर जाना है जी। क्षेत्र में खत्म होगा, घूर जाएंगे। कितना गाड़ी है सर काफिला में? वो कोई नहीं बता सकता। कितने लोग होंगे? कितने लोग होंगे इधर? लोग अब तोड़ार कर देखे बच्चे को कतरा लोग है। आपसे चुनावी बिगुल आपने फूंक दिया है। हाँ, क्या लग रहा है आपको? महागठबंधन से इलेक्शन लड़ेंगे और सरकार को उखाड़ दी गई है। सर, नीरज कुमार जदयू वाले कह रहे हैं कि अनंत सिंह का काफिला पूरी तरह से रोड शो उनका फ्लॉप हो गया है, क्या कहेंगे? तो आप लोग बता दीजिए। JDU में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी माने जाने वाले विधायक अनंत सिंह अब मुख्यमंत्री के खिलाफ हैं। अनंत सिंह को लेकर विपक्षी महागठबंधन और राजद में एक मत नहीं है, लेकिन विपक्ष का एक धड़ा उनके मुंगेर में लोकसभा चुनाव लड़ने के समर्थन में है। अनंत सिंह को भी उम्मीद है कि उन्हें मुंगेर से कांग्रेस का टिकट मिलेगा। पंजाब केसरी TV के लिए मुंगेर से इम्तियाज खान की रिपोर्ट।